नमस्कार जय हिंद सात नौ ग्यारह पंद्रह में से प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है परिणामी संख्या अनुपात में होती है तो घटाई गई संख्या क्या होती है ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं भर भर के आते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखो जैसे चार आपने लिख ली टर्म्स आपने क्या करना है ये लिखना है सात बटे नो ठीक है भाई फिर इन दोनों का अंतर भी यहां लिख देना है ठीक अब इधर देखो इसका डिफरेंस इसका अंतर कितना अब इन दोनों का अंतर देखो दो क्या ये अंतर और ये अंतर बराबर है आप बोलोगे गुरु जी बिल्कुल बराबर अगर बराबर होते नहीं तो हम कर लेते अगर अंतर बराबर हो गए तो इसका मतलब आपके जो चार पद थे वो ये थे घटाने से पहले चार था दूसरा क्या था छह था आगे कोई जरूरत नहीं है समान संख्या घटाई है तो सात से चार कब आएगा जब तीन घटाओगे तो तीन इसका आंसर हो जाएगा जय हिंद